सर, आज आघाड़ी सरकार से बंद का आह्वान किया गया है, कई जगह पे बंद है, कई भी जगह पे चालू है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज बंद नहीं है, आघाड़ी सरकार जब से आई है तब से बंद है। ये बंद जो चीज़ है वो चालू करने का, शुरू करने का काम सरकार का होता है। सरकार ही अगर बंद करेगी तो फिर बच्चा क्या है, इसलिए ये बंद का मैं निषेध करता हूँ। ये तीनों पार्टी के सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका मैं निषेध करता हूँ। कांग्रेस राष्ट्रवादी के ज़माने में फायरिंग में कितने लोग मर गए थे, तब बंद नहीं किया इन्होंने। यहाँ पर जो भी हत्या हुई है, जो लोग मरे हैं, उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति है। कानून कानून का काम करेगा, सरकार ने सरकार का काम करना चाहिए। सरकार का काम है व्यवस्था को चालू रखने का, राज्य को चलाने का, देश को चलाने का, ये सरकार का काम है, इसलिए लोग चुनकर देते हैं सरकार को। लेकिन सरकार ही अगर बंद करेगी तो ये कैसे चलेगा? ये तो अभी नया एक ट्रेंड चालू हो गया, एक पार्टी का सरकार है तो दूसरे पार्टी के खिलाफ में बंद करेगा, दूसरे पार्टी का सरकार है तो उसके खिलाफ में बंद करेगा। जनता पहले से 1.5 साल से कोरोना से हैरान परेशान है, लोगों के रोजगार चले गए, खाने पीने के वांधे हो गए गरीब लोगों के, और ऐसे समय पे एक और एक बंद करके ये सरकार क्या करना चाहती है? इसलिए सरकार से मेरी निवेदन है, और ख़ास करके उद्धव ठाकरे जी से, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी का दामन जब तक ये छोड़ते नहीं है तब तक ये सारा चलता रहेगा। मैं बहुत हैरान और परेशान इसलिए भी हो गया हूँ, संजय राउत का मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट सुना, वो कहता है कि उनको प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी दिखती है। संजय राउत को प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी दिखती है, इनको नरेंद्र मोदी में बाला साहब ठाकरे दिखते हैं, ऐसा अगर कहते थे ना तो शिवसेना का ग्राफ ऊपर हो जाता था। ये संजय राउत ने प्रियंका में इंदिरा गांधी दिखती है ये कहकर शिवसैनिकों का मनोबल तोड़ा है, शिवसैनिका का मनोबल तोड़ा है संजय राउत जी ने। इसलिए शिवसैनिक बहुत हताश हो गए हैं, शिवसैनिक चिंता में है। इसलिए मैं शिवसैनिक नहीं हूँ लेकिन शिवचिंतक हूँ मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर करती है, इसलिए ये उद्धव जी जब तक इनका साथ नहीं छोड़ते हैं तब तक ये चलता रहेगा। महाराष्ट्र अधोगति की ओर जा रहा है, और इस अधोगति से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तत्पर है। हम महाराष्ट्र को पीछे जाने नहीं देंगे, जनता ने जनता का काम करना चाहिए, हम हमारा काम कर रहे हैं।